बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम्स टू इरम क्लासिक किचन। आज मैं आपके साथ KFC स्टाइल हॉट विंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी, विच एग्जैक्टली टेस्ट लाइक KFC। लेकिन क्या बात है कि हमारे विंग्स का वैसा फ्लेवर नहीं आता जैसा हम KFC में खाते हैं। अगर क्रम्स हो तो क्रम्स नहीं बन पाते, और अगर क्रम्स बन जाएँ तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं बिल्कुल पत्थर जैसे, और चिकन अंदर से भी टेंडर कुक नहीं हो पाता और फ्लेवर भी वैसा नहीं आता। ये सारी बातें आज इस रेसिपी में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो स्टेप टू स्टेप मेरे साथ एंड तक देखनी होगी। तो चले चलते हैं और इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 500 ग्राम चिकन विंग्स लेंगे। मैंने यहाँ पर विद स्किन चिकन विंग्स ली हैं, आप विदाउट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन के साथ इसमें ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। ओके जी, यहाँ पे हम चिकन विंग्स को कट करेंगे, लेकिन अगर आप चिकन विंग्स को कुक करके फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट फ्राई करूँगी, इसी वजह से मैं इसको 2 पीसेस में डिवाइड करूँगी। आप कोशिश करें कि चिकन विंग्स को खुद कट करें, क्योंकि जब आप शॉप से कटिंग कराते हैं तो वो कटिंग के दौरान चिकन के मसल्स को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से चिकन की शेप ख़राब हो जाती है। ये देखिए, मैंने चिकन को 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसी तरह सारे पीसेस को कट कर लेंगे। ओके जी, चिकन विंग्स की कटिंग हो गई है। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें 1 छोटा कप दही चाहिए, उसके साथ साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट या फिर हसबे जायका। ये सब डालने के बाद अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इन सब को भी ऐड कर देते हैं अंदर, और फिर 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप इसकी जगह पर लहसुन अदरक का 1 टीस्पून पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अब इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, और आखिर में 2 टेबलस्पून विनेगर के डाल देंगे। विनेगर की जगह पर आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो चलें अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स 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 कर देते हैं। मैरिनेशन बनाना एक बिल्कुल आर्ट की तरह होता है। अगर आपके डिश के अंदर मैरिनेशन अच्छी हो तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ये सब तो अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसे हम कवर करके 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स विंग्स के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। मूविंग ऑन, अब हम विंग्स की क्रम्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर कर डालूंगी। गार्लिक पाउडर इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट का काम करेगा, और उसके साथ साथ अब 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दूंगी। चिकन पाउडर की जगह आप 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का डाला है, ताकि एक प्यारा सा कलर चिकन की क्रम्स के ऊपर आ जाए। तो चलें अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स 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 कर देते हैं। ये सब तो हो गया, अब हम एक दफ़ा मैरिनेटेड चिकन को चेक करते हैं, जो काफ़ी देर से फ्रिज के अंदर पड़ा है। मैरिनेशन चिकन के अंदर अच्छी तरह से लग गई है। अब हम चिकन की कोटिंग करते हैं और फिर इसके क्रम्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है जो रूम टेम्परेचर का है, और उसके साथ में हमने जो मटेरियल रेडी किया था कोटिंग के लिए वो भी रखा हुआ है। तो चलें अब हम सबसे पहले चिकन के पीस को रखेंगे मैदे के अंदर, और फिर इसको कोटेड करेंगे मैदे से, और फिर उसे अच्छी तरह झाड़ के पानी के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए रखेंगे, और फिर वापस मैदे के अंदर डालेंगे, और इसी तरह आपने दूसरी दफ़ा भी यही स्टेप रिपीट करना है। यहाँ तक तो सब सिंपल है। अब तीसरे स्टेप में हमने चिकन को मैदे के अंदर रोल करना है, और उसके बाद उसे ऐसे मसलना है, ये देखें, और फिर उसके बाद हमने इसको ज़ोर से प्रेस करना है, प्रेस करते जाना है और साथ में इसे मसलते जाना है। इस तरह हमारे क्रम्स रेडी हो जाएंगे। मैदे की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छे क्रम्स आएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से क्रम्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ऊपर अभी से ही नज़र आ रहे हैं। यानी आपने चिकन के विंग्स को टोटल 3 स्टेप्स करने हैं। पहले 2 स्टेप्स सिंपल हैं, और तीसरे स्टेप में आपने इसके क्रम्स बनाने हैं, और बस इसी तरह हम सारे विंग्स रेडी कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन के ऊपर क्रम्स बन गए हैं। चलें अब इसको फ्राई करते हैं।
हमें इसे मीडियम हीट पे कुक करना है और उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर चिकन विंग्स डालते हैं। अब 2-3 मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि नीचे से जल ना जाएं और फिर हम इसके फ्लेम को लो कर देंगे। हमें चिकन को दोनों साइडों से 8 मिनट कुक करना है, यानी टोटल टाइम इसका 16 मिनट्स है। चलें, अभी 8 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसकी दूसरी साइड को टर्न कर दूंगी और इसे और 8 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए छोड़ दूंगी। ओके जी, अगेन 8 मिनट्स बाद हम इसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पर इसे टर्न करके चेक कर रही हूँ कि इसका कलर अच्छा सा आ गया है। तो जी, कलर तो बहुत अच्छा आ गया है, अब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। आप यकीन करें कि इतना मज़े का अरोमा पूरे घर से आ रहा है, ये देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है और उसको देख के ही लग रहा है कि वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। तो चलिए अब इसे किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। ये देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है ये। और एक पीस को हम खोल के चेक करते हैं कि चिकन अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। ये देखें, चिकन बिल्कुल अंदर से कुक हो गया है और बिल्कुल भी उसके अंदर रेडनेस नहीं है, एकदम सॉफ्ट जूसी और क्रंची बना है जैसे हमें रिक्वायर था। और अब हम इसको सर्व करते हैं और मैं इन स्पाइसी विंग्स को स्वीट चिली और फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करूँगी। और इसके साथ इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम ग्रीन चिली से इससे गार्निश कर देंगे और बस हमारी मज़ेदार सी KFC स्टाइल हॉट विंग्स बिल्कुल रेडी हैं। देखा आपने कितनी मज़ेदार सी रेसिपी थी ये। चलें जाएं और जाके इसे अपनी अफ्तारी में बनाएं और इंजॉय करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। दुआ करती हूँ कि ये रमज़ान और आने वाला हर रमहा हम सबके लिए रहमतों बरकतों का बायस हो। अल्लाह सुभान व तआला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।